हमने जब ये मंत्रालय संभाला था तो हमने एक नारा दिया था, साफ सिटी सेफ सिटी, और एक दूसरा नारा दिया था पार्किंग की मार्किंग। तो मैं शुरू करता हूँ, हमने नारा दिया साफ सिटी सेफ सिटी, शहर सुंदर हो, स्वस्थ हो, फिर हमने पार्किंग का ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। साफ सिटी सेफ सिटी में हमने बहुत सारे काम किए, सफाई का तो किया ही किया, उसमें हमने पहले जो सरकारें थीं उन्होंने कभी भी जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का काम था उसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हमारी सरकार ने आते ही 13 क्लस्टर बनाए, और 13 क्लस्टर में सबसे पहला क्लस्टर बना सोनीपत का, सोनीपत पानीपत एंड अराउंड। वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसका सेग्रीगेशन करके और जो RDF बचता था उसका निस्तारण, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, ये चारों स्टेप सोनीपत में हमारे चालू हैं। ये चारों स्टेप गुड़गांव में भी चालू होने वाले हैं, और ये बाकी 13 जो हमारे क्लस्टर हैं, बाकी 11 उनमें भी हम ये प्लान कर रहे हैं। पहले जो सरकारें थी वो पहाड़ इकट्ठे करती थी, उन पहाड़ों को हमने ख़त्म करने का काम शुरू किया है, काफ़ी जगह हमें सफलता भी मिली है। हमने हमने रिपेयर जो रोड्स की वो लगभग 93.66 किलोमीटर रोड्स का सुधारीकरण किया है। हमने 14,423 टू व्हीलर पार्क करने के जो डब्बे हैं वो हमने पूरी स्टेट में बनाए। हमने सभी DMCs की मीटिंग ली, हमने हर ज़िले को टारगेट दिए, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, कि भाई इतने तो आप टू व्हीलर के स्टैंड बनाइए, इतने आप फोर व्हीलर के बनाइए। तो हमने 14,423 टू व्हीलर स्टैंड बनाए और 28,000 हमने फोर व्हीलर स्टैंड बनाए। मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने रोड की जो मार्किंग की है, तो जो लोग हैं वो स्वयं अपनी गाड़ियां उस मार्किंग बाउंड्री लाइन जो हमने बनाई है उसके बाहर खड़ी करनी उन्होंने शुरू की है। लोगों के अंदर ये टेस्ट आ गया, वहाँ पर कोई पुलिस वाला या कोई चौकीदार या कोई गार्ड भी नहीं खड़ा, फिर भी लोग जो हैं, अनेक शहरों में मैंने करनाल में देखा, हिसार में देखा और भी कई जगह देखा कि जहाँ बाउंड्री लाइन बन गई है सड़क की, वहाँ पर लोग अपने व्हीकल्स को उस बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ी करने लगे हैं। तो कुछ हमने पावर्स का जो डेलीगेशन ऑफ द पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया है, उसको हमने अमाउंट बढ़ाई है। जैसे हमने जो कमेटीज हैं, परिषद हैं, वहाँ पर हमने 2.5 करोड़ की लिमिट अलाउ कर दी, 2.5 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं, उसमें हमें उनको परमिशन ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। निगम को हमने 10 करोड़ तक का हमने पावर दे दिया, 10 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं। पहले शायद ये फाइल CM तक आती थी या मंत्री तक आती थी। फिर कुछ दिव्य नगर में हमने सभी शहर सुंदर कैसे बने, तो उसमें हमने कहा है कि जो निगम कार्य करेगा कोई भी सुंदरता का, उसके अंदर हमने कुछ हेड्स डाले हुए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, तो उसमें 50% खर्चा वो अपने निगम से करें, 50% खर्चा वो दिव्य स्कीम के अंडर स्टेट करेगा, और जो परिषद हैं उसमें 65% खर्चा जो है वो निगम स्टेट करेगा, 35 वो करेंगे, और जो पालिकाएं हैं वो 25% करेंगी और स्टेट 75% करेंगे। ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, उनको बोनस देने के लिए ये हमने काम किया है। हमने डेवलपमेंट के लिए अब तक 791 करोड़ 44 लाख ये रुपया हम खर्च कर चुके हैं। अमृत स्कीम के तहत हमने 55
काम जो हैं उनकी जो वर्थ है वो 3,116 करोड़ ये हम अलॉट कर चुके हैं और 1,757 किलोमीटर हमने सीवरेज लाइन पूरी स्टेट में बिछाई है, 1,740 किलोमीटर हमने वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई है और 159 किलोमीटर लाइन हमने ये जो वाटर ड्रेनेज की जो वर्षा का ड्रेनेज का जो बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम होता है ये बिछाया है। हमने 1,78,666 घरों में वाटर सप्लाई दी है, हमने 1,84,823 सीवरेज कनेक्शन दिए हैं और हमने 3 प्रदेश में सुंदरता दिखाने के लिए हमने कहा था कि ट्राई कलर झंडे लगाए, तो हम अब तक 9,141 ट्राई कलर के झंडे पूरी स्टेट में लगवा चुके हैं और इसमें हमने 280 किलोमीटर ये जो हमने आपको बताया कि 9,141 झंडे ये 280 किलोमीटर रोड पर लगवा दिए। हमने शुरू में कहा था, हमने कहा था कि जो निगम है वो 10 से 20 किलोमीटर सड़क का चयन करें अपने निगम में और जो परिषद हैं वो 5 से 10 किलोमीटर का चयन करें और जो पालिकाएं हैं वो 2 से 5 किलोमीटर का चयन करें, तो अब तक की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई, 280 किलोमीटर में हमने 9,141 किलोमीटर का काम किया है और हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट भी फिक्स कर दिया है। 2 कंपनी है, एक तो सूर्य कंपनी है, दूसरी बजाज कंपनी, और इसमें हमने जो टारगेट है वो 4.5 लाख LED लगाने का है और उसमें से 91,539 इनके ऑर्डर अलग अलग कमेटीज ने दे भी दिए हैं।